बिसम रहीम वी आर डूइंग डेरिवेटिव्स आज हम एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप की बात करेंगे दैट इज़ पुट कॉल पैरिटी पुट भी आपने सीखी है कॉल भी ऑप्शन सीखी है आपने पैरिटी को क्या है और ये कैसे वर्क करती है ज़रा ये एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है विच वी नीड टू लर्न पुट कॉल पैरिटी इज़ द प्रिंसिपल दैट डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइस ऑफ यूरोपियन पुट ऑप्शन एंड यूरोपियन कॉल ऑप्शन क्योंकि सिमिलैरिटी इसमें ज़रूरी है दोनों चीज़ों में ऑफ द सेम क्लास दैट इज़ विद द सेम अंडरलाइंग एसेट एंड स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरेशन डेट ये चीज़ें सारी सिमिलर होंगी फिर ये रिलेशनशिप वर्क करेगा अदरवाइज वर्क नहीं करेगा यानी कि अगर हम निषाद मिल के शेयर की बात कर रहे हैं तो निषाद मिल की कॉल और पुट ऑप्शन की बात करें तो दोनों की एक्सपायरेशन भी सेम होनी चाहिए कंपनी भी सेम हो और स्ट्राइक प्राइस भी सेम हो फिर ये वर्क करेगा अदरवाइज़ ये वर्क नहीं ये नहीं होगा कि निषाद की कॉल ऑप्शन को आप आ, किसी और कंपनी के थे एम के पुट ऑप्शन से कंपेयर करने लग पड़ेंगे तो दिस विल नॉट वर्क ये मैंने एग्जांपल के तौर तो पे बता रहा हूँ पाकिस्तान में खैर इतनी ऑप्शन मार्केट डेवलप नहीं हुई वी कैन टॉक अबाउट एप्पल और टेस्ला जिनके साथ ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वर्क कर रहा होता है पुट कॉल पैरिटी पैरिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली और तो जब पुट कॉल पैरिटी का हम रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं कि हाउ इट इज लिंक हाउ दे आर कनेक्टेड द दाइमल्टेनियसली होल्डिंग अ शॉर्ट यूरोपियन पुट एंड अ लॉन्ग यूरोपियन कॉल के कॉल आपने रख ली यूरोपियन साथ एक शॉर्ट कर दी पुट ऑप्शन ऑफ़ द सेम एसेट ये मैंने पहले भी बताया था एज इट्स इक्वल टू होल्डिंग वन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द सेम अंडरलाइंग एसेट विद द सेम एक्सपायरेशन एंड अ फॉरवर्ड प्राइस इक्वल टू ऑप्शन प्राइस घबरा नहीं रहे अभी हम इसमें इसको हम फार्मूला में भी डाल के ट्रू पिक्चर में अदर सिचुएशन में, में देखेंगे मेन मकसद क्या है कि इसकी एक रिलेशनशिप को डेवेलप करना और उसको देखना कि हाउ दैट कैन बी देयर इफ द प्राइस ऑफ पुट एंड कॉल ऑप्शन डवर्ज तो डैट दिस रिलेसनशिप डज नॉट होल्ड अगर इसके ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आरबी ट्राज की अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छा इन्वेस्टर जो कि वैल्यूशन जानता है वो आरबी ट्राज से गेन आउट कर सकता है और इसक फ्री रिटर्न आरबिट्राज में आपको पता ये होता है इक्वेजन देख लें यहाँ पर जरा थोड़ा हम टाइम भी लगा लेते हैं इक्वेजन एक्सप्रेसिंग कॉल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस यानी स्ट्राइक प्राइस की इस वक्त की वैल्यू प्लस पुट ऑप्शन प्लस पॉट यानी कि मार्केट वैल्यू जो उसकी है टी इज़ द कॉल ऑप्शन पी इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्ट्राइक प्राइस डिस्काउंटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑन द एक्सपायरेशन एट रिस्क फ्री रेट यानी कि जो उसकी स्ट्राइक प्राइस है उसको रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट करें यानी कि या आज की डेट पर उसको ले आएँ वेयर आज पी इज़ योर पुड की और एस जो है उसकी स्पॉट प्राइस तो ये मैं इसको वापस इस पर जा रहा हूँ ये जो इसका रिलेशनशिप है ना ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड यू कैन सी ये इसकी दो साइड्स हैं इक्वेशन की सी प्लस दिस और ये इक्वल टू पी प्लस एस तो इसीलिए इसको पैरिटी का मोड दिया गया अब आप लोग माशा स्टेज पर हैं यू आर एल जबराज चैम्पियन तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस फार्मूले में मैं किसी एक चीज़ को सब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो वट विल बी हैपनिंग के वी टेक द अदर पार्ट टू द अदर साइड या किसी भी दो चीज़ों को मैं स्वैप भी कर सकता हूँ जो हमने वहाँ बात की थी हमने कहा था कॉल ऑप्शन प्लस आपकी लॉन्ग है कॉल में और साथ पुट में हम नेगेटिव हो जाएं तो वो कैसे होगा कि मैं पी को उठा के इधर ले हूँ और प्रेजेंट वैल्यू को उठा के उसमें स्पॉट में से माइनस कर लूँ तो फिर भी ये रिलेशनशिप वर्क करेगा सिंपल अलजेब्रा का रूल है कि इक्वेशन की दोनों साइड से हम जो एडजस्टमेंट इधर से उधर करें या किसी एक को सब्जेक्ट बना के दूसरी चीज़ को उधर ले जाएं। फॉर द रिलेशनशिप टू वर्क द कॉल एंड पुट मस्ट हैव आइडेंटिकल एक्सपायरेशन एंड स्ट्राइक प्राइस ये एम्फोसाइज बार बार इसलिए किया जा रहा है कि अगर ये एग्जामेशन नहीं मीट होंगी तो ये पैरिटी वर्क नहीं करेगी

दिस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज जिस तरह भी हम बात कर रहे थे कॉल ऑप्शन माइनस पुट ऑप्शन एज इक्वल टू अंडरलाइंग एसिड माइनस द प्रजेंट वैल्यू ऑफ द स्ट्राइक प्राइस यानी कि प्रेजेंट वैल्यू को आप उठा के उस साइड पर लेके पुट वाली साइड को इधर ले इसमें से किसी भी एक चीज को मिस भी करके आप तीन दे दे तो चौथी आपको निकालनी भी आनी चाहिए यू कैन एक्सपेक्ट दीज इन नेमसी के पोर रिलेशनशिप में से वन कुड बी द मिसिंग पार्ट तो पुट कॉल पैरिटी से दैट द प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन इंप्लाइज़ अ सर्टेन फेयर प्राइस फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पुट ऑप्शन विद सेम स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सरसाइज पर यानी कि इनका आपस में एक रिलेशनशिप है जो कि एग्जिस्ट करना चाहिए और अगर वो रिलैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है आरबिट्राज की अपॉर्चुनिटी इस पर हम थोड़ी फर्दर भी बात करेंगे बट मेक शोर यू प्रॉपरली अंडरस्टैंड इट और इसकी जो अल्जेब्रिकली आप इसकी सारी ऑप्शन को एक टेबल बनाएँ और एक एक आइटम को सब्जेक्ट बना के फॉर्मूले को रीडिफाइन करते रहें तो आपकी जितनी परमोटेशंस बनेंगी वो सारी आपको बनानी है थैंक यू